कौन गए? योगी। मैंने आपसे बताया ना, ये खटाखट का जवाब ये जनता देगी यूपी के अंदर। अब ये करे या मरे, दे दे तो करके आ जाएगी इनकी सरकार खटाखट, नहीं तो जनता तो मालूम हो गया है। देखिए, ये करे या मरे, ये जुमलाबाजी नहीं था, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, गठबंधन इंडिया के मैनिफेस्टो में था, कोई हवा में बात नहीं था। केस लग गया है राहुल गांधी के ऊपर रिश्वत देने का आरोप। जैसे चुनाव हुआ था, अगले दिन लखनऊ में जाकर लाइन लग गई। क्या हुआ? सिर्फ बेवकूफ बनाना जनता को, और जनता इतनी भोली है वो प्यार से बेवकूफ बन जाती है। वो ये नहीं देखती कि हिंदुस्तान का विकास कहां से कहां तक हो रहा है। सिर्फ विकास को देखना चाहिए, ये नहीं कि पानी फ्री मिल गया, लाइट फ्री मिल गई और गैस का सिलेंडर फ्री मिल गया। तो विकास ही नहीं हुआ, विकास होता तो मोदी जी 400 पार का जो नारा दिए थे मोदी आते। विकास नहीं हुआ ये तो अंधे को विदेश में जाके पूछो विकास हुआ या नहीं हुआ। मोदी विदेश ही तो घूमते रहे, तो कोई बात नहीं, कहने तो लोकतंत्र है, ये तो कोई कुछ भी कह लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। चुनाव चले गए, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन पूरे चुनाव में चर्चा यदि रही तो वह ठकाटक खटाकट खटाकट ठकाटक, यानी कि राहुल गांधी का जो फॉर्मूला था कि अगर मुझे वोट मिलता है तो ठकाठक महिलाओं के खाते में हम 1,00,000 देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे। लेकिन अब राहुल गांधी के कार्यालय के बाहर महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हैं और फार्म को हाथ में लेकर ये पूछ रही हैं कि हमारे खाते में ठकाठक खटाखट 8,500 रुपये कब आएंगे। आखिर देश की जनता से भी सवाल करते हैं कि क्या अब उन महिलाओं को ठकाठक खटाखट 8,500 मिलेंगे, जो महिलाएं आज लखनऊ में इंतजार कर रही हैं कि आखिर इस फार्म को जब भरवाया गया चुनाव में तो अब इस फार्म का हम आखिर क्या करें। भाई साहब, क्या लगता है? खटाखट ठकाठक पूरा चुनाव में चला, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक, लेकिन आज महिलाएं लखनऊ में पूछ रही हैं कि कब आएंगे ठकाठक। कहां देगा ठकाठक, वो तो सत्ता में नहीं आ सका, कहां से देगा ठकाठक? उसके हाथ में क्या सेंटर गवर्नमेंट की चाबी, क्यों दे देगा निकाल के? पब्लिक को सोचना चाहिए। वो नौसुखिया है, फर्जी में कह दिया, फर्जी में कह दिया और क्या, वही वोट थोड़ा से ले लिया लोगों को झूठ बोलकर, और क्या। वो तो कह रहे हैं मोदी ने भी तो कहा था 15,00,000, कहाँ दिए मोदी? या तो 2,50,000 रुपया मकान बनाने के, कहा नहीं था उनने, कहा काला धन आएगा तो 15,00,000 रुपया सबके खाते में आएगा। जब स्विट्जरलैंड ने भाई मना कर दिया, हम नहीं डेटा बता रहे हैं सारे पैसे जिनका काला धन जमा हुआ है, कहने इसलिए तो मोदी हार गए, कम हो गई 400 का नारा। कहाँ से हार गए भाई? हार गए होते तो इटली थोड़ी जाते, वो तो पूरा प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। ये फिर घूमने शुरू कर दिए मोदी जी। क्यों घूमने के? ये तो पहले ये तो 4 महीना 6 महीना पहले से तय था कि मोदी जी जाएंगे भाई। 7 समिट हो रहा है इटली के अंदर, और देश का लोग बहुत खुश है कि मोदी जी अच्छा हुआ जो बने। आज पूरा विश्व पूछ रहा है मोदी जी से। अरे वो तो कह रहे मोदी नहीं, एक हाथ में है नायडू साहब और एक हाथ में है, अरे ये लोगों की नीतीश बाबू, यही सरकार चलाएंगे। बोलने का पैसा थोड़ी कुछ लगता है, बोलने का पैसा लगता होता तो राहुल गांधी ना बोलते कि खटाखट देंगे। भाई बोलने का पैसा थोड़ी लगता है, मुंह में जो आया बोल दिया खटाखट। इंतजार कर रही है ठकाठक खटाखट महिलाएं, इनको विधानसभा में बताएगी महिलाएं ना इनको अभी। या तो करे या तो मरे विधानसभा में। चक्कर ये भी फंस गया विधानसभा में लखनऊ का, या तो करे या तो मरे, या तो खटाखट दे, नहीं तो विधानसभा इसके हाथ से गया। देगा कहाँ से? घर से देगा तो सही है। अच्छा हाँ, क्या भाई साहब खटाखट ठकाठक का इंतजार कर रही हैं महिलाएं? भैया या करे या मरे, सरकार ही नहीं आई तो कहाँ से खटाखट देंगे? सारे वोट सपा के ही बने, तभी उनकी 5 सीटें 6 सीटें आई हैं। उनकी वोट कहाँ है कांग्रेस का यूपी के? हाँ, यूपी में लखनऊ में बहन जी खड़ी हैं महिलाएं खटाखट लेने के लिए। तो जब सत्ता में आए तो कहाँ देंगे? जब सत्ता में आते तो देते, सरकार इनकी बनेगी तभी तो सेंट्रल में कहाँ देंगे? कब बनेगी? लग रहा बन जाएगी अब। देखो पब्लिक का मूड है, चेंज हुआ है, बदलाव होना चालू हुआ है ना, बदलाव हो गया है, अब शुरुआत हो गया है, बदलाव की शुरुआत हो गई। गए अब की बार 2027 में योगी भी गए। कौन गए? योगी। मैंने आपसे बताया ना, ये खटाखट का जवाब ये जनता देगी यूपी के अंदर।
अब ये करे या मरे दे दे तो करके आ जाएगी इनकी सरकार खटाखट, नहीं तो जनता तो मालूम हो गया है। देखिए ये करे या मरे, ये जुमलाबाजी नहीं था, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, गठबंधन इंडिया के मैनिफेस्टो में था, कोई हवा में बात नहीं था। केस लग गया है राहुल गांधी के ऊपर रिश्वत देने का आरोप, चुनाव आयोग को पत्र लिख के भेजा गया है कि भैया रिश्वत देने का आरोप लगाया, आखिरी में इसने बोला है खटाखट देंगे। लग रहा है जिस तरीके से खटाखट ठकाटक का 1 लाख का मामला चला, महिलाएं वहां इंतजार कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस के नेता भाग? ये चुनावी अभियान है और इस चुनावी अभियान में लोग लुभावने भाषण दिए जाते हैं, अंत में आखिर में कुछ नहीं होता। जैसे चुनाव हुआ था अगले दिन लखनऊ में जाकर लाइन लग गई, क्या हुआ? सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जनता को, और जनता इतनी भोली है वो प्यार से बेवकूफ़ बन जाती है। वो ये नहीं देखती कि हिंदुस्तान का विकास कहां से कहां तक हो रहा है, सिर्फ विकास को देखना चाहिए, ये नहीं कि पानी फ्री मिल गया और लाइट फ्री मिल गई और गैस का सिलेंडर फ्री मिल गया। तो विकास ही नहीं हुआ, विकास होता तो मोदी जी 400 पार का जो नारा दिए थे मोदी आते। विकास नहीं हुआ ये तो देखो विदेश में जाके पूछो विकास हुआ या नहीं हुआ। मोदी विदेश ही तो घूमते रहे, तो कोई बात नहीं, कहने तो लोकतंत्र है, ये तो कोई कुछ भी कह लेगा। यहाँ तो गैस का सिलेंडर तुम्हारे से लेंगे, वोट देंगे दूसरे को, ये तो लोकतंत्र है भाई, ना तुम मुझे रोक सकते हो ना मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। फ्री का माल तुम्हारे से खाऊंगा, वोट दूंगा उसको जाके। क्या क्या समझते हैं जो सीटें घटी हैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं सीटें घटने का मतलब क्या रहा? एक बिंदु ये गलत है, एक बिंदु को लेकर चलना ये गलत है, सब जनता को एक साथ चलना देख के चलना चाहिए। आप एक ही बिंदु पे आपने पूरा 5 साल फोकस किया और उससे तुम्हें नुकसान ही हुआ। एक बिंदु से ध्यान हटा कर 10 बिंदु के ऊपर बात करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार मजबूती से अपने फैसले ले पाएगी? सरकार तो प्रधानमंत्री ने कह दिया था नीतीश कुमार को और उसको देवगौड़ा को, उसको क्या नाम उसका नायडू जी को, उनने कहा पड़ी तुम्हारी दुकान, अंदर खाने की रिपोर्ट बता रहा हूँ, अपने आप संभाल लो, हम विपक्ष में बैठेंगे। जब भी तो उनको क्या मिला झुंझुना, उनने कहा माई बाप जो तुम करोगे मंजूर है। कांग्रेस वाले तो खुश है 6 महीने में गई सरकार, अब की बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री। खुश तो कोई भी हो सकता है, मैंने अभी क्या कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई कुछ हो जाए, कुछ रोले, कोई हंस ले, कोई 6 महीने बाद आएंगे खटाखट ठकाठक। 6 साल भी नहीं जाएगी है ये भाजपा सरकार, 6 साल भी नहीं जाएगी नरेंद्र मोदी, ये 100% गारंटी है। राहुल गांधी बनने 6 महीने बाद लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तब मिलेगा ठकाठक खटाखट खटाखट ठकाठक। मिल गया 85,000 रुपए, मिल गया ना, मिल गया भाई। मोदी सरकार अभी कुर्सी पे विराजमान है। देखिए प्रधानमंत्री जी की कितनी मजबूरी है, जो कह रहे थे मुसलमानों को आरक्षण जब तक मैं जिंदा हूँ होने नहीं दूंगा, अब उन्हीं के साथ समझौता कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने हज पे जाने वाले हज यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए देंगे और 50 साल से जो उम्र के हैं उनको पेंशन देंगे हैं और सैलरी देंगे मौलानाओं को। तो ये मोदी जी को जो है ना किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इनको खाली कुर्सी से प्यार है, नहीं तो वो क्या आई कहाँ से? अगर 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 ये बात भी, ये विकास पर बात क्यों नहीं आई, मुसलमानों पर बात कैसे आ गई? ये इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने विकास तो करा ही नहीं। मटन ये करते ना, ये बोलते ना कि मुसलमानों की बात करने की जरूरत क्या है, अब विकास पे बात करेंगे, मोदी हिंदू मुसलमान करता रहा, आप करेंगे विकास पे बात? तो मटन मछली 2 कमरे 1 कमरा छीन लेंगे, भैंस ले जाएंगे, तुम्हारी बिजली काट देंगे, तुम्हारा मंगल सूत्र छीन लेंगे, ये कहने की बातें हैं क्या? मंगल सूत्र छीन जाएगा ये कहा था मोदी जी ने? कहाँ छीना भैया, दिखाना जरा मोदी जी मुझे अभी। तो 1 लाख का भी इंतजार है कि नहीं? अरे 1 लाख, 1 रुपया भी दे दे तो बेहतर है। कौन ये जो है बीजेपी? अरे वो तो बात है, तो राहुल भैया ने किया था 1 लाख का, भूल गए क्या? बीजेपी तो देंगे वो, तो वो भी तो कर रहे हैं तुम्हारे मोदी जी। हमारी सरकार 15 लाख और 1-1 लाख, इसी में जनता बह गई। भैया देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा था हमारी मोदी जी ने कहा था उनकी तो सरकार बन गई थी ना 15 लाख के लिए, तो क्यों नहीं दिया, क्यों झूठ बोला? 2 करोड़ रोजगार बोला झूठ, 100 स्मार्ट सिटी बोला झूठ, 100 दिन में काला धन झूठ बोला, महंगाई की मार बहुत। अब लगता
कि इनका मोदी का गठबंधन छोड़कर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए नायडू को और नीतीश कुमार? टाइम आएगा, जरूर टाइम आएगा। देखो ये जो अयोध्या और 400 पार कर रहे थे ना, अब इनके अपने लोग ही मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, वो इंद्रेश जी बोल रहे हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, अब वो उनको पता लगा है कि अब बोलने का मौका है। नहीं तो ये इनको तो आरएसएस को तो पूछना ही बंद कर दिया था, जेपी नड्डा ने तो बोल भी दिया था कि आरएसएस जो है ना कुछ नहीं है, हम अकेले बल पे लड़ेंगे। तो इसलिए अब इनका घमंड, मोहन भागवत जी ने क्या बोला है, अहंकार, जब रावण का अहंकार टूटा तो इनका भी टूटा ना। और अयोध्या के आसपास जितनी भी वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं सारी जगह से आ रहे हैं, अयोध्या में भी आ रहे हैं। तो ये 1990 वो से जो मंदिर राम, तो वहाँ के लोगों के अत्याचार करोगे, गरीबों के साथ अन्याय करोगे, वो पुराने घर तोड़ दिए, पुराने मंदिर तोड़ दिए हैं, तो उस लिए लोग नाराज हैं। तो तुम ऐसे थोड़ी करोगे, और तुम अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हो हैं, मुसलमानों को भी गाली दे रहे हो, हिंदुओं को भी गाली दे रहे हो, तुम श्रीलंका में जाके चुनाव लड़ोगे क्या अगला? चलिए, जनता जनार्दन की राय है और जनता आखिर क्या कह रही है। लखनऊ में जिस तरीके से इंतजार में खड़ी हैं बहनें कि 1 लाख कब मिलेंगे, उसको लेकर दिल्ली की जनता अपनी राय दे रही है। और दिल्ली की जनता की राय आपने सुनी, आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।